अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंसेक्ट इकोलॉजी के बारे में। व्हाट इज़ इकोलॉजी? तो जो इकोलॉजी होती है वो जो भी इन्वायरमेंट होता है, जो होम होता है जहाँ पे एक इंसेक्ट या कोई भी एनिमल रहता है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। द वर्ड इकोलॉजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट एर्नस्ट हैकल। सही है, बाय कंपोजिंग टू ग्रीक वर्ड्स। ये ग्रीक वर्ड्स से निकले हैं, ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस कहते हैं होम को एंड लोगोस कहते हैं द स्टडी ऑफ। सो इसका जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि स्टडी ऑफ होम ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट मे बी डिफाइंड एज इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बॉटनी डील विद द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स and their long living environments। ठीक हो गया। तो what is ortecology? ortecology में होता है कि हम वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट इट्स इन्वायरमेंट। और syncology में होता है कि हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को जो है उनके स्टडी कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। इट डील्स विद अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और नेचुरल कम्युनिटीज एंड हाउ दे इंटर रिलेट। व्हाट इज पैलियोकोलॉजी? द स्टडी ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड टाइम स्केल सक्सेशन इन पास्ट। फिर आगे आते हैं व्हाट इज जीनिकोलॉजी? इसमें हम कहते हैं ये जीन से निकले हैं। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स इन रिलेशन टू द हैबिटेट कंडीशन इज कॉल्ड जेनिकोलॉजी। What is insect ecology? It is the study of relationship between insects with the non-living environment. तो जो non-living environment होगा उसके साथ study को insect ecology कहते हैं। What is autotrophs? ऑटो का मतलब होता है automatic, ट्रॉप्स जो होता है ये मुख्तलिफ levels होते हैं। Autotrophs are self-nourishing organism which make their own nourishment from the फिज़िकल इन्वायरमेंट्स ग्रीन प्लांट्स। तो जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है, जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, ये वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये सेल्फ जनरेटिंग होते हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ हेटरोट्रॉप्स? हेटरोट्रॉप्स आर दो ऑर्गेनिजम्स विच रिलाई ऑन देयर सोर्सेज फॉर फूड। एनिमल्स जैसे होते हैं गोट्स, शीप्स, काओ, बफलो, ये होते हैं, ये सब चारे को या हम जिसे कहते हैं ऑटोट्रॉप्स उन पर रिलाई कर रहे होते हैं। फिर ओमनीवोर्स होते हैं जो मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों पे ऑटोट्रॉप्स को डायरेक्ट कर रहे होते हैं कंज्यूम, और जो होते हैं हर्बीवोर्स को वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? व्हेन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म अ स्टेबल सिस्टम कॉल्ड इकोसिस्टम। जो टोटल बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का इंटरेक्शन होता है किसी भी इन्वायरमेंट का, किसी एक स्पीशीज़ के साथ, नहीं कोई लाइफ के साथ, उसे हम क्या कहते हैं इकोसिस्टम। व्हाट इज़ एग्रो इकोसिस्टम? एनी इकोसिस्टम लार्जली क्रिएटेड एंड मेंटेन टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन डिज़ायर इज कॉल्ड एग्रो इकोसिस्टम। इसमें जो होता है मोस्टली ह्यूमन इंटरप्शंस होती हैं, वो मैन अपनी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ बायोस्फीयर? जो पूरी दुनिया का जो इकोसिस्टम है उसको, जहाँ पे भी लाइफ है उसे क्या कहते हैं हम, बायोस्फीयर। द होल अर्थ इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? इसमें मोस्टली चार कंपोनेंट्स होते हैं। पहले होते हैं एबायोटिक, फिर प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स और फिर डीकम्पोजर्स। जो एबायोटिक्स होते हैं उसमें जो होते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ रहे होते हैं। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनमें ग्रीन प्लांट्स हैं, और जो कंज्यूमर्स होते हैं उसमें सारे एनिमल्स होते हैं, और जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये, इन्हें माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहते हैं, ये फंजाई बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है डेड बॉडीज़ का, उन्हें डीकम्पोज करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो दोबारा यूजेबल होते हैं। तो आगे आते हैं व्हाट इज स्पीसीज? अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉमन नेम
that propagate through to type is known as species. Species क्या होते हैं, जिनमें सिमिलर करेक्टर्स होते हैं और जो वो सिमिलर करेक्टर एक दूसरे के इंसान मिलते जुलते होते हैं, और इनकी करेक्टरिस्टिक्स में ये भी होता है कि ये दूसरी स्पीशीज से इनमें कोई ना कोई डिस्टिंक्ट वेरिएशन होती है, वो उनके किसी बॉडी पार्ट के सूरत में हो सकती है, वो कोई और उनका करेक्टर होता है, कलर वगैरह उनमें भी हो सकती है. व्हाट इज़ पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एनी वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन होती है वो किसी एक सिंगल स्पीशीज़ के जो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स होते हैं एक ख़ास एरिया में, उनको इनकी काउंटिंग या उनके नंबर जो होते हैं उन्हें पॉपुलेशन कहते हैं. जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन होती है, सेंसस होते हैं, वो सारे पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं. फिर एक ख़ास एरिया में हनी बी की पॉपुलेशन हो सकती है, या फिर कोई भी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो हम स्टडी करते हैं कि इस ख़ास जंगल में इतने लाइंस हैं, वो लाइंस जो होंगे वो उनकी पॉपुलेशन होगी. व्हाट इज़ कम्युनिटी? ऑल द पॉपुलेशन को पाइंग अ पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड कम्युनिटी. लाइक कम्युनिटी ऑफ अमेज़न जंगल, कम्युनिटी ऑफ एनी रिवर. सॉरी, तो कोई भी मुख्तलिफ पॉपुलेशंस की जो इकट्ठी एक जगह एक ख़ास टाइम में स्पेसिफिक एरिया में जो पॉपुलेशंस होती हैं उनको एक हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी. क्लाइमेक्स होता है स्टेबल कम्युनिटी हैविंग सेल्फ रेगुलेटेड इंडिजिनस कंडीशंस इज कॉल्ड क्लाइमेक्स. व्हाट आर मेजर कम्युनिटीज? सफिशिएंट इन साइज एंड रिलेटिवली मोर और लेस इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सराउंडिंग आर टर्म्ड एज मेजर कम्युनिटीज. फिर आगे आते हैं, व्हाट इज माइनर कम्युनिटीज? स्मॉलर इन साइज एंड रिलेटिवली मोर और लेस डिपेंडेंट ऑफ देयर सराउंडिंग्स आर टर्म्ड एज माइनर कम्युनिटीज. फिर है प्लांट फेजेस. देयर आर टू प्लांट फेजेस, वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज. तो जो एक कोई भी प्लांट ग्रो करता है उसमें पहले वेजिटेटिव वो ग्रोथ होती है, फिर उनमें रिप्रोडक्टिव फेज आ जाते हैं. रिप्रोडक्टिव फेज के बाद उनके वो दोबारा सीड्स या जो भी उनके होती है वो प्रोडक्शन होती है, उसके बाद वो साइकिल कंटिन्यू हो जाता है. व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी में भी डिफाइंड एज कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क. कोई भी काम करने की जो सलाहियत होती है, जिस जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो कहाँ से आती है? जो आप मीट करते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, वहाँ से प्रोड्यूस हो रही होती है. आगे आता है, व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी? एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप इनटू अनदर बट नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. कहते हैं कि जो हम एनर्जी जो होती है वो ना तो एक प्रोड्यूस कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होती है, एटीपी से हम एडीपी में कन्वर्ट करके उसकी एनर्जी कंज्यूम करते हैं. व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन बी डिग्रेडेड फ्रॉम कंसंट्रेटिव फॉर्म इनटू डिस्पर्स्ड फॉर्म. सही है, हीट कैन बी डिस्पर्स फ्रॉम कोल. कंसंट्रेटिव फॉर्म में होता है कोल के अंदर, लेकिन वो डिस्पर्स हो जाता है जब हमने फ्लेम देते हैं, मतलब जब उन्हें आग जलाते हैं. तो वो किस फॉर्म से? कंसंट्रेटिव फॉर्म से डिस्पर्सल फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है. व्हाट इज़ फूड? फूड इज़ अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब होता है साइज इन रिलेशन टू स्पेस. जैसे मास पर यूनिट एरिया होता है डेंसिटी का, तो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी एक ख़ास एरिया में साइज एक पॉपुलेशन का. व्हाट इज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? अ नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पार्टिकुलर एरिया इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. कि किस तरह से पॉपुलेशन एक ख़ास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें कौन कौन सी पॉपुलेशंस हैं और उनकी क्या परसेंटेज है, मतलब वो कितना उनका वो माइनर कम्युनिटीज़ हैं या मेजर कम्युनिटीज़ हैं, वो सारे का सारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में आता है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? तो हम इसकी बात करें तो इसकी तीन टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन.
हम इन्हें वन बाय वन स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? व्हेन पॉपुलेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रोपोर्शन इन ऑल सेंसेस द पॉपुलेशन सेड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. यूनिफॉर्म से निकला है जो कि बाय सेल्फ ये शो कर रहा होता है कि इसमें एक इक्वालिटी का है, एक इक्वलनेस है इसमें. व्हाट इज़ रैंडम? तो रैंडम आ गया, इसमें जो होंगे वेरिएशंस होंगे. व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन प्रोसेस सम वेरिएशंस द पॉपुलेशन इज सेड टू बी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड. फिर आगे आते हैं नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेन पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिवली इट मीन्स मोर देन मीन. जब वो मीन से ज़्यादा हो तो वो क्या होगा, नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है. एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और जो भी दूसरी हैं, मतलब विंड वेलोसिटी, विंड स्पीड, ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं. व्हाट आर बायोटिक फैक्टर्स? इसमें जो मुख्तलिफ लाइफ्स होती हैं, द फैक्टर विच आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक. प्लांट्स, एनिमल्स, दो भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं. तो व्हाट इज़ अ होस्ट? ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड अदर बेनिफिट्स टू अदर ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली टू इट्स गेस्ट्स. गेस्ट जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा होता है? पेस्ट के लिए. इज कॉल्ड अ होस्ट. तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में होता है कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़. इंटर होते हैं विद इन स्पीशीज़ के लिए, और जो इंटर होता है वो बिटवीन स्पीशीज़ के लिए होता है. इंट्रा विद इन स्पीशीज़ और इंटर बिटवीन स्पीशीज़. तो कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. अलील आ गया जी, अ पेयर ऑफ अल्टरनेटिव करेक्टर्स पोसेस्ड बाय होमोलोगस क्रोमोसोम्स. सही है, टू पेयर्स में से दोनों एक दूसरे के जीन्स जो होते हैं वो अलील होते हैं. व्हाट इज फोटो पीरियडिज्म? द वर्क्स वेज बाय विच ऑर्गेनिजम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फोटो पीरियड आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बायोलॉजिकल फील्ड नोन एज फोटो पीरियडिज्म. इसमें जो इन्फ्लुएंस होता है फोटो पीरियड का वो स्टडी किया जाता है. फिर आगे आते हैं व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? इसमें हम देखते हैं कि फूड चेन, जो हमारी फूड चेन होती है, कैसे ऑटोट्रॉफ्स को जो हर्बीवोर्स कंज्यूम करते हैं उन्हें आगे डीकम्पोजर यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे हमने लेवल्स बनाए होते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रॉफिक लेवल. कि कैसे फूड जो है एक सर्कल में या एक चेन के सूरत में मूव करती है. ईच स्टेज ऑफ फूड चेन इज़ कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल. जैसे कि जो हमारे वीट को हम अगर कंसीडर करें, तो जो वीट होती है वो जो अपनी फूड प्रोड्यूस करती है उसे कौन कंज्यूम कर रहा होता है? ह्यूमन बींग्स. इसके अलावा उसे जो होते हैं ये जो है प्राइमरी कंपोजर कंज्यूमर्स, ये भी यूज़ कर रहे होते हैं. तो जो उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं वो आगे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. फिर आगे आते हैं डीकम्पोजर्स. तो ये सारे के सारे हर जो एक लेवल है उसे कहते हैं ट्रॉफिक लेवल. व्हाट इज़ फूड वेब? इसमें जब मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं. जैसे वीट को ह्यूमन ने खाया, वीट को गोट ने खाया, वीट को काउ ने खाया, बफलो ने खाया, तो ये सारी के सारी एक किस्म की वेब बना रही होती है. इसको हम कहते हैं मुख्तलिफ चेन्स को फूड वेब. फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ए इंटरलॉकिंग पैटर्न कॉल्ड फूड वेब. नेक्स्ट हमारे पास है फूड चेन. ट्रांसफ़र ऑफ फूड फ्रॉम द सोर्सेज इन प्लांट्स थ्रू सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज रेफर टू एज फूड चेन. व्हाट इज़ द प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल? इसमें प्लांट्स आते हैं. सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल में आते हैं कंज्यूमर्स हमारे. ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस लेवल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी फ्लो. द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द साइकिल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो. कि कैसे एक एनर्जी फ्लो कर रही है सन से आई ऑटोट्रॉफ्स में, ऑटोट्रॉफ्स से आगे गई हेटरोट्रॉफ्स में. व्हाट इज पायरामिड?
The mounting of energy calculated or contributed from each trophic level or community in unit area is called pyramid. The trophic relationship. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं व्हाट इज ट्रॉफिक रिलेशनशिप. ट्रॉफिक रिलेशनशिप शोज द रिलेशन बिटवीन टू ट्रॉफिक लेवल्स. जो मुख्तलिफ दो ट्रॉफिक्स के दरमियान रिलेशन होता है जैसे ऑटोट्रॉफ्स का एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स का. व्हाट इज ट्रॉफिक स्ट्रक्चर. द रिलेशनशिप डेट व्हाट एन ऑर्गेनिज्म ईट्स एंड व्हाट ईट्स द ऑर्गेनिज्म. एनालाइजिंग देयर रिलेशनशिप विद इन द कम्युनिटी द पिक्चर ऑब्टेंड इज कॉल्ड ट्रॉफिक स्ट्रक्चर. ये सारे के सारे जो इंटरेक्शन होते हैं ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं जो कि आ रहा होता है मुख्तलिफ ट्रॉफिक्स के दरमियान, तो इसलिए इसका नाम दिया जाता है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज हैबिटेट. हैबिटेट होते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर एक स्पीशीज रह रही होती है या एक पॉपुलेशन रह रही होती है. करेक्टराइज environments within which a species may live, that is called its habitat. हर एक species का अपना habitat होता है जो कि उनकी needs और उनके desire के according होता है. In other words, habitat is the address of an organism. जैसे हमारे और हमारे addresses होते हैं, इस तरह हर एक जो species है उसका अलहदा habitat होता है, अलहदा उसका address होता है. What is niche? Niche is a position or status, profession or function or functional status of an organism in its community is called niche. In simple word, niche is the profession of an organism. इसमें हम study करते हैं कि क्या role एक play कर रहे हैं species एक community में, उस role को उसकी niche कहा जाता है. हर species के different roles होते हैं. कोई भी लाइफ जो है वो बेमकसद नहीं है. हर एक लाइफ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी जो है वर्ल्ड के लिए जो पूरी लाइफ है इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हर स्पीशीज़ का अपना रोल होता है. अगर हमारे पोलिनेटर्स जो होते हैं जैसे हनी बीज हैं, दूसरी बीज हैं, वैसे ऐसे हैं जो पोलिनेट कर रहे होते हैं, अगर वो एंड हो जाएँ तो लाइफ जो है वो जो इस अर्थ पर वो नामुमकिन हो जाएगी. फिर नेक्स्ट हमारे बात आता है इज साइज इम्पोर्टेंट इन डिटर्मिनिंग एन एनिमल्स नीश. वो पूछ रहे हैं कि क्या जो साइज़ होता है वो इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं. तो जी हाँ, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है. इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट स्पेशली रिकॉर्डिंग प्रीडेटर्स. सही है, जितने ज़्यादा प्रीडेटर होंगे उतने पेस्ट कम होंगे, जितने प्रीडेटर्स कम होंगे उतने ज़्यादा पेस्ट होंगे. क्योंकि प्रीडेटर ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा फीड करेंगे, तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो क्या होगा कि पेस्ट की पॉपुलेशन कम हो जाएगी. अगर प्रीडेटर्स कम हो जाएंगे, कोई ऐसी कंडीशन आती है जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है नेचुरली जो उनके फेवर में नहीं होती, तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है. जब पॉपुलेशन कम होगी तो फीडिंग कम हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, पेस्ट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी. फिर आगे आते हैं व्हाट इज़ डीम इज़ अ लोकल पॉपुलेशन और अ सब पॉपुलेशन ऑफ इंटर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स. सही है, जो इंटर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स हैं उनकी पॉपुलेशन जो होती है सब पॉपुलेशन, उसे क्या कहते हैं, डीम. व्हाट इज डायट्रॉफिक लेवल. वो वर्ड इज ट्रेडिशनली कॉल्ड एज डायट्रॉफिक लेवल. डायट्रॉफिक लेवल में एक्शन एंड इंटरेक्शन ऑन केमिकल बेसिस ऑफ फूड वेब इज कॉल्ड एज डायट्रॉफिक लेवल्स. व्हाट आर इंडिजिनस स्पीशीज. इंडिजिनस होते हैं कोई ऐसी स्पीशीज जो कोई ओरिजिनेट कर रही हो एक ख़ास एरिया में, उसको नेटिव स्पीशीज जो होती हैं उनको हम कहते हैं. दीज आर स्पीशीज आर ओरिजिनेटेड इन द रीजन दे नाउ इनहैबिट. सही है, अ ग्रेट मैनी ऑफ देम आर सीरियस पेस्ट सच एज कोलोराडो बीटल. ये जो इंडिजिनस बीटल के एग्जांपल है. व्हाट इज़ प्रीडेशन. जो होता है प्रीडेटर जो प्रे को कंज्यूम करता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रीडेशन. द एक्ट इन विच एन एनिमल इज
of higher trophic level consumes organisms of a lower trophic level is called predation. Dispersal क्या होता है? Movement होती है किस्म की, एक जगह से दूसरी जगह पे. Movement of an organism in and out of a population is called dispersal. सही है. तो एक organisms की एक ख़ास एरिया में अपनी population में in and out movement जो होती है उसे dispersal कहते हैं. What is emigration? Emigration होते हैं कि जो एक ख़ास एरिया से जैसे हिजरत कर जाना, उसको emigration कहते हैं. When an organism leaves the population for never to return, कि वो वहाँ पे कभी वापस नहीं आएगा. वो इस सूरत में भी हो सकता है कि उस जो है जगह में population ज़्यादा हो गई है, या फिर वहाँ पे जो है फोर्स स्कार्सिटी हो गई है, या कोई भी और ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से उसे छोड़ना पड़ गया, उसे हम कहेंगे emigration. Immigration आ गया. When an organism enter a new population to establish itself. Emigration में था वो छोड़ रहा है, immigration में वो आ रहा है. What is migration? When organism departs and returns periodically from and to a population, that is called migration. एक जगह से दूसरी जगह migrate किया, फिर उधर से वापस आ गया. What is environment? इसमें होता है environment is the conglomeration of all the biotic and abiotic factors that actually affect an individual organism at any point in its life cycle. सही है. तो इसमें जो सारे biotic factor and abiotic factor हैं उनकी study इसमें आ रही होती है. What is biomass? जो biomass होता है वो एक weight होता है एक life का, एक खास habitat में. उसमें वो सारी की सारी कम्युनिटी है वो हम कंसीडर करते हैं. बायोमास इज द टोटल ड्राई वेट ऑफ, इसमें आ रहा है टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट. जो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म होते हैं एक पार्टिकुलर हैबिटेट के, वो उसका बायोमास होता है. व्हाट इज बायोम? बायोम इज अ मेजर क्लाइमेट रीजन करैक्टराइज्ड बाय इट्स डोमिनेंट वेजिटेशन. एक ख़ास एरिया में जो मुख्तलिफ वेजिटेशन है वो क्या करेक्टराइज कर रही होती है एक बायोम को. नेक्स्ट हमारे पास है बायोटिक पोटेंशियल. बायोटिक पोटेंशियल इज़ द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन टू इंक्रीज इन नंबर व्हेन द एज रेशियो इज स्टेबल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर ऑप्टिमल. इसमें जो एक ख़ास बायो एक ज़िंदगी का पोटेंशियल होता है वो कंसिडर किया जा रहा होता है. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम. एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर विच इज़ नीडिड मिनिमम फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम. सही है. नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में स्टडी करेंगे. आज के लिए इतना था. उम्मीद है आप सबको ये सब समझ आया होगा. तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम.